हेलो फ्रेंड्स, मैं मामागति सिलाई के इनसे सुनीता सिंह। आज मैं आप लोगों को 2-3 साल के बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनाना बताऊंगी जो बहुत ही कम कपड़े से बनेगी। तो आइए बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये सूट से बचा हुआ 1 मीटर से भी बहुत ही कम कपड़ा है। 1 मीटर से बहुत ही कम है, तो इसमें से हम एक बेबी फ्रॉक बनाएंगे। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इस तरह से कर लेंगे हम इसको। ये देखिए, तो ये हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लेंथ है इस तरह से। ये देखिए इसकी लेंथ हमारी 19 है, और जो हमने इसकी चौड़ाई ली है, ये देखिए इस तरह से करके हमने इसकी चौड़ाई 11.5 इंच ली है। डबल फोल्ड में हमने 11.5 लिया है और हमारी 19 इसकी लेंथ है। तो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ से देखिए हम सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। इसमें हमें जो गले की कटिंग करनी है, चौड़ाई जो हम रखेंगे इसकी 5 इंच रखेंगे। ये देखिए 5 इंच रखेंगे हम इसकी चौड़ाई, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे। और ये जो हम इसका मुड्डा लेंगे तो 5.5 इंच लेंगे इस तरह से करके। ये देखिए, और हमें ये जो है इस तरह से लेना है। यहाँ से ये चीज़ जो है हमारी, ये देखिए ये जो हमारा इतना बचता है यहाँ पर, इसकी हमारी स्लीव निकलेंगी। इसी के साथ हमें एडजस्ट स्लीव बनानी है। तो यहाँ से हम इसका निशान लगा देंगे ऐसे करके। और इसकी जो हमें गोलाई लेनी है नीचे से, ये देखिए पूरा ही ले लेंगे हम नीचे का इसका राउंड। ये हमारे 11.5 है, तो 11.5 पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से लेंगे हम इसका नीचे से इस तरह से, और इस तरह से फिटिंग देंगे हम इसकी। ये देखिए इस तरह से करेंगे हम इसको। ये देखिए जो हमारी स्लीव है, ये हमें इसी के साथ एडजस्ट करनी है। इसको हमें अलग से नहीं निकालना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव है और ये हमारा इसका घेर आ जाएगा नीचे का। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सब इधर हम गले का निशान लगा लेंगे। ये देखिए गले का निशान हम यहाँ से 3.5 इंच पे लगा रहे हैं। 3 इंच हमने इसकी जो लंबाई रखी है, ये देखिए इस तरह से करके। ये हमें इसी के साथ अटैच करना है जो हमारी स्लीव है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमें देखिए कैसे करनी है इसकी। नीचे से लेंगे हम इसकी कटिंग के लिए। पहले हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा हम कट कर देते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा है। और ये देखिए हम यहाँ से लेंगे इसको इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम हल्की सी गोलाई करेंगे नीचे से। ये देखिए इस तरह से ये दे दिया हमने गोलाई में। अब हमें जो इसके गले की लेनी है चौड़ाई, ये देखिए इसमें हमें चुन्नटे डालनी है। तो हमारा यहीं तक हमारा ये है, तो यहीं तक हम इसकी गोलाई करेंगे। हमारा आगे पीछे का दोनों साइड का बराबर रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से आएगा हमारा। अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमने गले की चौड़ाई ली है, इसमें हम एक पट्टी लगाएंगे। जो पट्टी में हमने चुन्नटे अटैच करनी है इसमें इस तरह से करके। तो आइए इसको हम करते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। जो हमारा ये गला है, सबसे पहले हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमें चुन्नटे डालनी है धागा खींच के। देखिए इसके पूरे राउंड में हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा लिए, अब हम इसमें इस तरह से करके चुन्नटे डालेंगे धागा खींच के। आप चाहे वैसे भी डाल सकते हैं। हमें इस तरह से करके इसके अंदर चुन्नटे एडजस्ट कर लेनी है। ये देखिए जो हमारा गला इतना रहना चाहिए, जो कि हमारे बच्चे के सिर के अंदर आ जाए। ये देखिए इस तरह से करके हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हमें इसके अंदर पट्टी लगानी है। ये देखिए रेब वाली पट्टी हमने कट की हुई है, तो अब हम इसके अंदर पट्टी लगाएंगे। इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे, और ये पट्टी हमें अंदर फोल्ड कर देनी है। फिर पट्टी को हम डबल कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से हम इसकी पक्की सिलाई करके पट्टी को सिलाई कर देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पट्टी लगा ली है गले की। अब इस पट्टी को हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई चला देंगे। फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा दी है गले में। ये देखिए, ये हमारा दोनों साइड से एक जैसा है। ये हम दोनों साइड से पहना सकते हैं बच्चे को। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी स्लीव, देखिए हमने इसमें स्लीव साथ के साथ कट की थी, ये देखिए हमने अलग से नहीं लगाई। अब हमें ये आगे से फोल्ड कर लेनी है इस तरह से करके। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव भी हो चुकी है। अब हमें नीचे से फोल्ड कर लेना है यहाँ से। देखिए इस तरह से करके इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे साइड की। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है साइड की और नीचे की। अब हमें इसको उल्टा करके, उल्टा कर लेंगे हम इसको। ये देखिए अब हम यह साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए साइड की सिलाई हमें यहीं से ले लेनी है, स्लीव से ही। इस तरह से रखेंगे इसको ऐसे। और ये देखिए जो हमारा ये नीचे है, बिल्कुल इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बहुत कम समय में और बहुत कम कपड़े से बहुत ही खूबसूरत जबला तैयार हुआ है, जो छोटे बेबी को पहनाने में बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। ये देखिए इसको बनाने में, और ये हमारी स्लीव इसी के साथ अटैच हुई है। तो ये देखिए हमने यहाँ से चुन्नट अटैच की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत जबला फ्रॉक तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।